हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म दिस इज योर मेंटर मई दुबे एम डी सर सो हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सभी लोग बहुत बेहतर होंगे और शिक्षक दिवस के इस अवसर पर सभी को हैप्पी टीचर्स डे राइट एंड मेरे जो गुरुजी हैं राइट right, मेरे जितने भी गुरु हैं जितने भी शिक्षक हैं जिनने मुझे शिक्षित किया पढ़ाया सही राह दिखाई उन सभी को मैं नमन करता हूँ और राइट right, शिक्षक दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ क्योंकि उन्हीं की कृपा से उन्हीं के सही मार्गदर्शन से मैं आज इस लेवल पर हूँ और हम सभी जब भी कुछ प्रोग्रेस करते हैं जब भी आगे जाते हैं तो उसमें गुरु की बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है जो आपकी वेट uh, राइट right? जो गुरु ओके सभी लोगों को क्लियर है वॉइस ठीक है तो उनकी जो महत्ता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है राइट right? उनके सही डायरेक्शन की वजह से ही आप सभी इस मुकाम पे पहुंच पाए जो अभी कॉलेज में है उनने स्कूलिंग में अच्छा किया और सही राह पर रहे है। तो शिक्षक दिवस का आज अवसर है तो इससे ही आज स्टार्ट करना चाहूंगा मैं तो सबसे पहले मैंने बोला ही है हैप्पी टीचर्स डे टू माय ऑल राइट टीचर्स मेरे सभी शिक्षकों को गुरुओं को और आप सभी को इस अव राइट right? इस महत्वपूर्ण दिन की बधाइया चल स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सो बी एक्टिव इन द चैट बॉक्स एज वेल सभी लोगों को चैट बॉक्स में एक्टिव uh, रहना अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अगर बात करूं कंपेटेटिव एग्जाम तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट right? इसका जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आज हम रीजनिंग का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं एंड द चैप्टर नेम इज कोडिंग एंड डिकोडिंग सो बी एक्टिव इन द चेक बॉक्स आप सभी बता दें वॉइस क्लियर है कि नहीं है अदरवाइज आई हैव टू चेक ठीक है तो वॉइस क्लियर है सभी को सो लेट्स ओके ओके क्लियर है चलो ठीक है हेलो आदि एंड ऑल ठीक है ओके सभी लोगों को क्लियर है तो देखो ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोडिंग एंड डिकोडिंग कई एग्जाम में से फाइव टू तो सिक्स क्वेश्चन भी आते हैं और जनरली ये थ्री टू तो फोर मार्क्स का वेटेज तो हर एग्जाम में रखता है तो आज जो हम पढ़ने वाले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और जो अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूं ना वो कहीं नहीं मिलने वाली मतलब जिस तरीके से हमें जो सही अप्रोच पता होना चाहिए पैटर्न पता होना चाहिए बेसिक अप्रोच पता होना चाहिए वो आज हम लर्न करेंगे आपको जो पैटर्न मैं बताऊंगा वो डिफरेंट तरीके से टाइप में बताऊंगा बहुत डिफरेंट तरीके से ठीक है सो बी रेडी फॉर फटाफट फड़ से अपनी लगा देंगे लोग, है ना? चले. So, पहले एक सिलेबस से है ना? चले. तो आपके को दो पार्ट में बांटा हुआ है. है तो अब यहां पर नॉन वर्बल अगर रीजनिंग की बात करूं तो देखो एनोलॉगी पजल टेस्ट एंड सिटिंग अरेंजमेंट अल्फाबेट टेस्ट ब्लड रिलेशन लॉजिकल डायग्राम क्लासिफिकेशन सीरीज राइट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स अर्थमेटिकल रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग प्रॉब्लम ऑन क्लॉक्स प्रॉब्लम ऑन कैलेंडर ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके डायरेक्शन एंड टेस्ट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस भी राइट इसी को कहते हैं दिशा एवं दूरी अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आए मीडियम में कि सर इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है आई विल ट्रांसलेट कोई इशू नहीं है है ना चलिए सीरीज कंप्लीशन टेस्ट ठीक है पढ़ा हुआ है हमने सीरीज का, का तो अभी जो मिसिंग आपको मैंने सीरीज पढ़ाई हुई है मिसिंग नंबर सीरीज रॉन्ग नंबर सीरीज राइट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन मैथमेटिकल ऑपरेशन इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर डेटा सफिशंसी रैंकिंग टेस्ट सिलोजिस्ट सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके वर्बल रीजनिंग के सो इसका स्क्रीन ले लो ठीक है जब वन बाय वन सब कंप्लीट करेंगे आज मैं आपको कराने वाला हूं कोडिंग एंड डिकोडिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दिस वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट ठीक है हम स्टार्ट करने वाले नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब क्या हो गया जहां पर चित्रों के जरिए आपको ज्यादा सॉल्व करना पड़े इमेज के थ्रू सो so, यहाँ पर क्लासिफिकेशन सीरीज हो गई एनोलॉजी सीरीज एनोलॉजी हो गई ठीक है क्यूब एंड डाइसेस एम्बेडेड फिगर्स डॉट फिक्सिंग सिचुएशन इनकम्प्लीट फिगर्स ये ज्यादातर फिगर्स पे बेस्ड होगी मिररर एंड वाटर इमेजेस प्रॉब्लम ऑन क्यूब्स एंड डाइज पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग मैट्रक्स राइट काउंटिंग ऑफ फिगर्स ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स सो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे जो मैंने आपके सामने भी डिस्कस भी कर लिया स्क्रीन शॉट भी ले लेना ले ये सब हम कवर करने वाले हैं फुल डिटेल में मैंने क्या बोला बेसिक्स ये फाउंडेशन बैच है आपका ये बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे हायर लेवल तक ले जाएंगे ठीक है चलिए तो अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे आपसे आपके पास लगातार नोटिफिकेशन आता रहे जो भी अपडेट आई ठीक है चलिए बेसिक इंट्रोडक्शन अब बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है व्हाट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग यहां पर कोडिंग एंड डिकोडिंग को समझना क्यों जरूरी है जब भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूं पहले मीनिंग की बात करते हैं यहां पर एक्चुअली है क्या कोडिंग है क्या अब कोडिंग एक इस तरीके का मैसेज है मान लो ये देखो ये एक पर्सन है ए ठीक है ये क्या है सेंडर है। अब ये है बी क्या पर हम जावा पढ़ने वाले सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले नहीं बिल्कुल नहीं ये रीजनिंग का एक टॉपिक है यहां पर सी प्लस प्लस जावा सॉफ्टवेयर की बात हम नहीं करने वाले हैं है ना तो इसे समझेंगे ये रिसीवर है तो भाई अब यहां से मैसेज कन्वे हो रहा है आपका ठीक है ये क्या है आपका वो सीक्रेट मैसेज सो कोडिंग इज वॉट इट इज अ सीक्रेट वे टू ट्रांसफर अ मैसेज कन्वे अ मैसेज बिटवीन टू राइट टू पीपल राइट सेंडर एंड रिसीवर सेंडर और रिसीवर के बीच में सीक्रेट वे में वो कोड जा रहा है अब यहां पर डिकोडिंग को ऐसे समझा देता हूं जिससे आपको आइडिया लग सके डिकोडिंग क्या हुई देखो ये कोड था मुझे नहीं पता ये सीक्रेट कोड क्या है इसको इस तरीके से बताया गया कि तीसरे को ना समझ में आए बस इन दोनों को ही समझ में आएगा तो यहां पर ये क्या हो गया कोडेड फॉर्म में आपने एक मैसेज कन्वे किया एंड दैट इज कोडिंग डिकोडिंग क्या हुई अगर इन दोनों के अलावा कोई थर्ड पार्टी इसे क्या कर ले पता कर ले तो वो डिकोडिंग होगी किसी जरिए से ठीक है किसी लॉजिक से किसी भी तरीके से सो so, यहां पर क्या हो गया सी अगर सी को यह मैसेज पता चल गया उसने क्या कर लिया डिकोडिंग कर ली इसकी ठीक है तो यहां पर उसे क्या हो गया पता चल गया अब सिंपल सी बात है देखो यार इस तरीके से समझो फेसबुक आप सब चलाते हो गया? क्लियर बात है, है ना अब फेसबुक में आप लॉग इन आईडी और फेसबुक तो और आपके बीच में रहेगा मतलब आपने इंसर्ट किया तो फेसबुक क्या रिसीवर है उसका तो उसको पता है ये राइट ये जो जो भी सीक्रेट कोड आप रख रहे हो पासवर्ड का एक सीक्रेट कोड का राइट वे है यहाँ पर आपको जो Uh, क्या करो टाइप करो तो दो लोगों के बीच में ही है तो वो क्या हो गया एक सीक्रेट कोड हो गया जो किसी और को ना पता हो ऐसा तो है नहीं कि पासवर्ड हम कहीं भी फैला देते नहीं ना तो यहां पर क्या हो गया एक सीक्रेट तरीके का कोड हो गया ये दो लोगों को पता लेकिन अगर किसी तीसरे को पता चल गया एनी हाउ तो वो क्या हो जाएगी डिकोडिंग हो जाएगी तो यहाँ पर एक तरीका था जिसके थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा था आप मोबाइल यूज करते हो मोबाइल में भी आप कुछ कोड पैटर्न डालते हो ठीक है अब वो भी क्या है एक तरीके की कोडिंग ही करी है आपने आपके मोबाइल को पता है आपको पता अगर आप किसी तीसरे को ना होता है और किसी तीसरे ने हैक कर लिया तो वो क्या हो गए तो चलो इस तरीके की डी कोडिंग कोडिंग नहीं पढ़ने वाले हैं बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे इसे है ना तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज आई टोल्ड यू तो यहां पर होने क्या वाला अब यहां देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके अल्फाबेट्स एंड नंबर्स जो बहुत मोस्ट कॉमन टाइप में आता है तो आपका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना इंग्लिश का वो आपको सीक्वेंस के साथ याद होना चाहिए तरीका मैं समझा दूंगा बिल्कुल ए बी सी डी ई एफ जी एच एच तो ये तो आपको पता है लेकिन किस नंबर पे राइट right, कौन सा आता है सीक्वेंस में अब हमें पता है कि ट्वेंटी होते हैं टोटल इंग्लिश अल्फाबेट्स में कौन सा किस प्लेस पे आता है उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए आप है ना वो किस प्लेस पे आ रहा है वो वैल्यू आपको उसकी प्लेस की याद होनी चाहिए अगर मैं बोल दू ए तो फर्स्ट नंबर पे बी टू सेकेंड नंबर पे है ना क्लियर है इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू है ना फटाफट फड़ से बताएंगे अन आदि एवरी वन बी एक्टिव क्लियर है जल्दी से बताइए चल एक एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं फिर उसके बाद टाइप पे मैं जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा अच्छे से मान लो मैंने यहां पर लिखा ए ठीक है बी एंड सी मैंने लिखा एबीसी को जो है मैंने वन टू थ्री कोड किया तो बताओ मैं एक्स वाई जेड को क्या कोड करूंगा मैंने एबीसी को वन टू थ्री कोड किया यहां पर मैंने आपको बताया देखो एक एग्जाम्पल ये हो गया एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर क्या बोलूंगा मैं जे के एल को मैंने टेन इलेवन किया कोड ऑफ ए बी सीज वन टू थ्री एंड कोड ऑफ जे के एल इजन इलेवन एंड कोड यहाँ पर क्या होने वाला है कोई बता सकता है मुझको आप क्या लॉजिक लग रहा है देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूं यहाँ पर सिंपल है यहां पर किसी भी तरीके का जो हमने नंबर सीरीज पढ़ी थी नंबर सीरीज में भी कोई भी लॉजिक कोई भी पैटर्न चलता था तो यहाँ पर भी किसी तरीके से किसी वर्ड को है ना ग्रुप ऑफ लेटर्स को किसी सेंटेंस को है ना क्या करेंगे यहाँ पर कोड कर देंगे किसी भी तरीके से वो नंबर कोड में हो सकता है लेटर टू लेटर हो सकता है लेटर टू नंबर हो सकता है लेटर टू सिंबल हो सकता है किसी भी तरीके में हो सकता है है ना यहाँ पर सिंपल से मैंने आपको बता दिया ये क्या है यहाँ पर ये आपका जो भी वर्ड था अब इस वर्ड को मैंने कोड कर दिया अब आपका क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा आपको एक वर्ड दिया गया है उसे मैंने कोड कर दिया ठीक है उसको को, उसका कोड भी दिया जाएगा आपको एक पूरा का पूरा वर्ड प्लस उसका कोड दिया जाएगा ठीक है अटलीस्ट एक तो दिया जाएगा एक से ज्यादा भी दे सकते हैं और फिर पूछेंगे एक स्पेसिफिक सेकेंड वर्ड दे देंगे अब बोलेंगे इस वर्ड का जो भी वर्ड है सेकेंड इसका कोड क्या होगा सेम पैटर्न में तो आपको पहले तो ये पैटर्न पता होना चाहिए तो देखो यहां पर ए बी सी वन टू थ्री जे के एल टेल टेन इलेवन तो ये टेन इलेवन ट्वेल्व वन टू थ्री क्या है इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर की जो रैंकिंग है वो है ए फर्स्ट पे आता है बी सेकंड पे सी थर्ड पे. पे आता है तो यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या होगा ये आखिरी तीन लेटर्स होंगे ना ठीक है तो एक्स की जो रैंकिंग है वो कितनी होती है ट्वेंटी फोर की 25 और Z की 26. तो बाय द हेल्प ऑफ द गिवन कोर्स जो हमको दिए गए दो कंप्लीट पैटर्न थे हमने उन्हें समझा उनमें कैसे कोडिंग की गई है उसे डिकोड किया देन हमने उसे एग्जीक्यूट किया जो हमसे पूछ रहे थे उसमें उस पैटर्न उस को क्लियर है चल अब यहां पर पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ लो कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपके आने वाले लेटर बेस्ड कोडिंग हो सकती है लेटर टू लेटर होगी यहां पर सिंपल सी बात है ये क्या होगी लेटर टू लेटर होगी याद रखिए नंबर बेस्ड कोडिंग यहां पर लेटर टू नंबर एंड सिंबल uh, भी हो सकती है आपको कहीं नहीं मिलेगा मैंने क्या बोला ये आपके लिए मैंने यहां पर क्या किया क्लासिफाइड कर दिया है, जिससे आपको बेहतर तरीके से आइडिया लग सके किस किस टाइप के पैटर्न आएंगे और उन्हें कैसे किस अप्रोच के साथ सॉल्व करना ठीक है चलिए अब सब्सिट्यूशनल कोडिंग सब्सिट्यूशनल क्या होगी भाई किसी का सब्सिट्यूट आ गया है ना रिप्लेसमेंट सो रिप्लेसमेंट बेस्ड कोडिंग होगी यहाँ पर वर्ड्स हो सकते हैं जिन्हें रिप्लेस की जगह लेटर्स को इवन कर सकते -based -based हो यहाँ रिप्लेसमेंट पे बेस्ड होगी और पहली क्या थी लेटर बेस्ड कोडिंग मतलब लेटर टू लेटर चलने वाली याद रखना तो सिंपल सी बात है आपको वर्ड्स लेटर जो दिए जाएंगे उन्हें किसी फॉर्म में कोड किया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा किसी और का कोड राइट right? किसी और वर्ड का कोड सेम पैटर्न में तो पहले तो पैटर्न का आइडिया लॉजिक ढूंढना पड़ेगा अब उसे हम कैसे ढूंढ लेंगे जब हमें कोई आइडिया नहीं उसके लिए हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए वही हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है राइट अप्रोच तो देखो लेटर बेस्ड कोडिंग को भी मैंने क्लासीफाइड कर दिया अब यहां फर्स्ट क्या वो लिखा है मैंने रीअरेंजमेंट बेस्ड री अरेजमेंट बेस्ड का मतलब यहां पर क्या है टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आप जनरली देखोगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो यहां पर देखो रीअरेंजमेंट बेस्ड रीअरेंजमेंट बेस्ड का है कि सिंपल बस आपने क्या किया रीअरेंज कर दिया मान लो यहां पर दिया गया था आपको एबीसी तो मैंने बोल दिया एबीसी इज कोडेड एज सी बी ए एबीसी इज कोडेड एज एबीसी का कोड सी बी ए है किसी कोडिंग लैंग्वेज में इन co, right, को राइट कोडेड लैंग्वेज एबीसी कोडेड एज सी बी ए बी सी को कोड किया जाता है सी बी ए तो बताओ मुझे आर डी सी का कोड क्या होगा तो आप बोलोगे सी डी आर भाई आपको दिया गया ये पहला एक वर्ड दिया गया एबीसी को अगर किसी बात कोडिंग भाषा में राइट right, एक कोडिंग लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है सी तो आरडीसी को क्या लिखा जाएगा तो आप बोलोगे यहां पर सिर्फ लेटर को क्या किया है उनके प्लेसेस को रिवर्स कर दिया है उनके प्लेसेस को क्या किया चेंज कर दिया है अगर आप देखोगे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये प्लेसेस यहां दिए गए थे कि नहीं दिए गए थे अब यहां पर क्या किया लेटर टू लेटर में कुछ भी नहीं किया ना रैंक को आगे पीछे किया सब समझेंगे धीरे धीरे ना रैंक को आगे पीछे किया सिंपल एक बात समझो आप यहां पर कि ए बी सी अगर दिया है तो उसे सीबीए मतलब क्या किया देखो सिंपल रिवर्स कर दिया अगर मैंने लिखा था ए बी सी तो ये लेफ्ट टू राइट जो लिखा था इसको मैंने क्या किया रिवर्स कर दिया मतलब अब मैं राइट right वाले को पहले लिखूंगा दिया उनका ऑर्डर पीछे से आगे कर दिया राइट आई होप यू आर गेटिंग इट वेल तो ऐसे ही आरडीसी को भी कर दिया यहां पर आरडीसी का कोड क्या होगा तो आप बोलोगे सी पहला लेटर था लास्ट लेटर था तो वो फर्स्ट हो जाएगा डी उसके बाद आ जाएगा देन आर आ जाएगा रिवर्स कर दिया सीक्वेंस को रिवर्स कर दिया तो इस तरीके से अगर सिर्फ हम लेटर के प्लेसेस को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं ना उसकी रैंकिंग में कोई चेंज कर रहे हैं ना किसी तरीके का मतलब प्लस जा रहे हैं ना बैक जा रहे हैं देखो अभी वो पैटर्न भी समझाऊंगा कि किस तरीके का हो सकता है है ना तो सिंपल सिर्फ लेटर प्लेसेस को आपस में इंटरचेंज किया जाता है तो वो बेस्ड हो जाता है और सिंपल आप जब भी सॉल्व करोगे सबसे पहले ऐसा है तो वेल well. आपको समझ में अच्छे से ठीक है ये फर्स्ट लॉजिक हो गया सेकेंडरी अगर आप आगे बढ़ोगे तो किन बातों का ध्यान रखना रैंकिंग एंड रिवर्स ऑर्डर बेस्ड रैंकिंग अब देखो रैंकिंग क्या होती है सिंपल मैंने आपको बोला था रैंकिंग अल्फाबेटिकल रैंकिंग अभी ही बात करी थी मैंने आपसे ठीक है अब रैंक अगर देखा जाए अल्फाबेट्स की ए से लेकर जेड तक होती है अगर सही सीधी एकदम आइडियल रैंक देखा जाए जो एक्चुअल ऑर्डर होता है उसमें ए से जेड होती है ठीक है है ना 1 टू 26 लेकिन अगर मैं बोलूं रिवर्स ऑर्डर तो ये जेड टू ए हो जाएगा रिवर्स ऑर्डर मतलब Z फर्स्ट हो गया तो A अल्फाबेट को अपोजिट अल्फाबेटिकल रैंक ठीक है rank, तरीके सिखा दूंगा रटने की जरूरत नहीं सबसे ज्यादा बच्चों को होता। सर रैंक कैसे याद रखें कौन सा किस प्लेस पे आता फिर लिखोगे टाइम वेस्ट करोगे बोलोगे देखो इतना बड़ा टास्क नहीं है बहुत आसानी से मैं ऐसा तरीका आपको बताऊंगा कि सिर्फ आप इमेजिन करोगे लेटर और आपके सामने उसकी रैंक आ जाएगी वो हम पढ़ने वाले ठीक है चल अब इसके बाद अगर देखिए रैंकिंग अब ये रिवर्स इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं चलो क्वेश्चन देख लेते हैं है ना क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा तो क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो यहां पर सिंपल इस तरीके का हो सकता है अगर मैंने लिखा ए ए इज कोडेड एज बी सी इज कोडेड एज डी ट इज द कोड ऑफ एम भाई आपसे सिंपल बोला गया है कि A का मैं आपको फिर उसके बाद उसके टाइप करेंगे वराइटी देखेंगे तो आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा समझना मेरी बात को यहां पर फिर से ए को हमने बी कोड किया सी को हमने डी कोड किया तो एम का कोड क्या होगा बहुत सिंपल चीज पूछो तो आप बोलोगे ए को अगर बी कोड किया तो ए के बाद बी आता है जस्ट एक रैंक आगे आ गए आप, आप समझ रहे हो रैंकिंग बेस क्या होता है आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हो बैकवर्ड मतलब आप कुछ रैंक पीछे भी जा सकते हो प्लस भी जा सकते हो लेटर से और माइनस भी जा सकते हो कोडिंग तो, तो कुछ भी हो सकती है अगर मेरे को जेड दिया गया है मान लो मेरे को तीन रैंक पीछे जाना है दो रैंक आगे आना है कुछ भी पैटर्न लॉजिक हो सकता है ठीक है तो वो तो डिपेंड करेगा वो हम जब करेंगे एग्जाम्पल तब आपको और बेहतर तरीके से क्लियर होगा तो यहां पर सिर्फ प्लस वन हुआ है मतलब एक रैंक फॉरवर्ड हो गया ही तो एक ही जगह पे क्या आया बी आया क्योंकि तो ए की रैंक होती है वन और बी की होती है टू तो अप्रोच समझना कैसे सॉल्व करोगे रैंक लिख लो सबसे पहले वन प्लस वन टू सी की थ्री होती है डी की रैंक फोर होती है थ्री प्लस वन फोर एम की रैंक थर्टीन होती है एन की कितनी होगी बताओ तो आप बोलोगे प्लस वन ही तो करना है यहां पर तो फोर्टीन हो जाएगा तो प्लस वन प्लस वन ही चल रहा है दो जगह पे प्लस वन चल रहा था तो हमें पैटर्न समझ में आ गया एक रैंक आ गई जाना और एम के बाद आता है एन तो हमारा आंसर यहां पर एन हो जाता तो ये रैंकिंग पे बेस हो गया रिवर्स रैंकिंग मतलब अपोजिट लेटर्स है ना आपको अपोजिट लेटर्स भी याद होने चाहिए कि अगर मैं बोलूं ए इस साइड से फर्स्ट है राइट एक्चुअल पैटर्न में एक्चुअल सीक्वेंस में ए फर्स्ट है रिवर्स ऑर्डर में जेड तो ए के अपोजिट लेटर कौन सा हो गया जेड है ना अगर मैं देखूं बी के अपोजिट रिवर्स लेटर कौन सा हो गया वाई क्योंकि अगर स्टार्टिंग से देखें तो बी सेकेंड नंबर पे है और अपोजिट ऑर्डर में देखे पीछे से देखे, तो वाई सेकेंड नंबर पे क्लियर है होप क्लियर इसी तरीके तरीके से अब मैं इसके भी आपको समझा दूंगा कैसे याद रखना है इसमें कोई बड़ा टास्क नहीं है सब अपोजिट लेटर रिवर्स रैंकिंग कैसे याद रखनी है और रैंकिंग लेटर्स की कैसे याद रखनी है जिससे आप कंफ्यूज ना हो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाए सबसे बड़ी चीज यही है ये. चलो अब ठीक है इसके बाद रैंकिंग बेस्ड यूनिक पैटर्न अब ये यूनिक पैटर्न क्या होते हैं ये अलग से कहां से आ गए यूनिक पैटर्न अगर मैं देखूं तो यूनिक पैटर्न की अगर मैं बात कर रहा हूं अब यूनिक पैटर्न क्या हो सकते हैं आपके सामने लिखा जेड ठीक है अब जेड को मैंने कोड किया है एच समझना मेरी बात को यहां पर देखो बहुत डिटेलिंग के साथ बता रहा हूं जेड का कोड है एच जेड एक वर्ड है इसका जो कोड है वो क्या है एच सिमिलरली अगर हम आगे बढ़े तो यू का कोड है सी तो अब मुझे आप बताओ कि वोइंग टू बी द कोड ऑफ वट इज गोइंग टू बी द कोड ऑफ आर आर का जो कोड होगा इस कोडिंग लैंग्वेज में क्या होगा बच्चों जल्दी फटाफट -फड़ से बता दीजिए एवरी वन देखो मैंने कहा था बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हर एक चीज को हर एक कंसेप्ट को हर एक लॉजिक को कवर करते चलेंगे ठीक है तो मैं हर राइट चीज को बहुत डेप्थ में समझा रहा हूँ राइट अप्रोच के साथ एंड होप सो एवरी वन इज गेटिंग इट सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा है चलो ठीक है अब देखो सिंपल सी बात है यहां समझना है ना फर्स्ट क्लास है बेसिक पूरे क्लियर कर दूंगा आप कोडिंग का कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपको मक्खन की तरह बिल्कुल ऐसा इजी लगेगा ना आसानी से समझ में आ जाएगा तो मेन कंसर्न क्या है फर्स्ट क्लास को अच्छे से समझ चलो Z का अगर मैं देखू कोड लिखा है एच अब Z की रैंक तो ट्वेंटी सिक्स होती है और एच लिखा है उसका कोड एट जिसकी रैंक एट होती है यहां यू का कोड दो दिए थे मैंने आपको यहां पर रेफरेंस तो क्योंकि पहले रेफरेंस पैटर्न नहीं है कम से कम एक और एक से ज्यादा भी दे सकते हैं हाँ, पर मैंने एक से ज़्यादा दिया क्योंकि ये क्या unique pattern पे based है पे अब unique pattern actually में होता क्या है रैंकिंग होती है ना उसका हम कुछ अलग तरीके से उसके digits का यूज कर लेते हैं डिजिट सम ले लेते हैं हम उनका स्क्वायर कर दें उनकी रैंकों का क्यूब कर दें कुछ भी तरीके से तो ये अंदर आ जाता है आप समझ जाओगे अभी। की कितनी होती है अल्फाबेटिकल ट्वेंटी वन सी की कितनी होती है वेरी गुड ए मंडल सीज ओके हाउ यू कोडेड दिस ए कैसे होगा आप बताइए मुझे ओके अंकुश दिस इज दी सेशन ऑफ रीजनिंग आपका पहला सेशन है एस एस सी अगर आप किसी भी कंपेटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एस एस सी राइट कैंपस प्लेसमेंट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो एन के लिए कर रहे हो तो यहां पर ये फाउंडेशन बैच है आपकी रीजनिंग का जिसमें हम पूरे तरीके से हर लेवल की रीजनिंग को कवर करेंगे हर टॉपिक को राइट right? बेस से लेके हाई लेवल तक एडवांस लेवल तक कवर करने वाले ठीक है आई होप नाउ इट इज क्लियर ये आपको अब क्लियर है बच्चे चलिए ठीक है देख लेते हैं अब यहां पर Z का कोड कितना है H U का सी थ्री है अब R का क्या होगा अब क्या लॉजिक देखे यहां पर एक लेटर ये देखो ये सीधा सीधा अब ये देखो ये जो डिजिट थी इसकी Z जो था उसकी रैंकिंग कितनी थी ट्वेंटी सिक्स एच की रैंक कितनी थी बच्चा एट थी तो अब ये देखो ये जो टू सिक्स थी अगर मैं इसका सम ले लू डिजिट सम अगर अल्फाबेट के रैंकिंग का डिजिट सम ले लिया जाए तो हमें मिल जा रहा है क्या एच टू प्लस सिक्स एट तो यहां लॉजिक क्या चल रहा है जो भी रैंकिंग है अल्फाबेटिकल उसका हम सम ले, ले रहे हैं डिजिट सम ले रहे ठीक है जैसे अगर आप देखो यू का ट्वेंटी वन था ठीक है रैंक कितनी थी ट्वेंटी वन टू प्लस वन तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चे थ्री और थ्री किसकी रैंक होती है सी की सी आ रहा है अब आर को अगर हम करेंगे तो आर की रैंकिंग अल्फाबेटिकल एटीन होती है. तो एट प्लस वन Nine, और किसकी रैंक होती है आई की तो यहां पर क्या आंसर हो गया आपका आई हो गया आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू यू क्लियर है एवरी वन बोध दि मंडल अंकुश एंड मंडल एवरी वन अभी क्लियर है आपको चले तो ये था यूनिक पैटर्न अब यूनिक पैटर्न में कुछ भी लॉजिक लग सकता है वो रैंकिंग का डिजिट सम ले सकते हैं रैंकिंग में मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न हो सकता है अल्फाबेट की जब आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना धीरे धीरे तो आपको समझ में आने लगेगा अभी ये समझो उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या रीअरेंजमेंट बेस्ड तो नहीं है उसके बाद जाओ रैंकिंग पे कि क्या रैंकिंग में प्लस माइनस हो रहा आगे पीछे रैंक हो रही है या अपोजिट रिवर्स ऑर्डर पे बेस्ड है जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तब समझाऊंगा अगर वो भी फॉलो नहीं हो रहा तो रैंकिंग में कुछ यूनिक पैटर्न होगा उट लेटर टू लेटर की बात करे थे अब नंबर बेस्ट कोडिंग क्या होती है सबसे सिंपल फॉर्म है यह अब इसमें होता क्या है आपको कुछ भी दिया गया है मान लो दो एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे दो पैटर्न देके रखेंगे अब उनमें कुछ लेटर्स कॉमन होंगे ठीक है जैसे मैंने बोला ए बी सी ठीक है और दूसरा मैंने आपसे बोल दिया बी सी डी तो ए बी सी इज कोडेड एज फोर सिक्स एंड एट एंड बी सी डी इज कोडेड एज फोर एंड सिक्स सेवन सो आप मुझे ये बताइए कि जो कोड होगा ए डी का वो क्या होगा वट इज द कोड ऑफ ए डी यदि ए बी सी को फोर सिक्स एट कोड किया जाता है बीसीडी को फोर सिक्स सेवन कोड किया जाता है तो एडी का कोड क्या होगा मैं यहां पर आपको पैटर्न बताते चल रहा हूं होप सो इट इज क्लियर वी far. ठीक है देखो फिर से बता रहा हूं ए बी सी का कोड है फोर सिक्स एट बी सी डी का है फोर सिक्स सेवन अब ये स्ट्रेट पैटर्न का बताने का यही था मतलब मेरा अब देखो ए की रैंक वन होती है बी की कितनी होती है राइट right. टू सी की थ्री होती है यहां पर भी देखो बी सी डी तो आप अगर ये सोचो कि A की रैंक फोर है B की सिक्स है C की एट है तो ऐसा नहीं है आप यहां पर ये यह देखो स्ट्रेट पैटर्न का मतलब ये है स्ट्रेट अवे आपको ये समझना पड़ेगा कि ये दो लेटर का कॉम्बिनेशन combination, दो कॉम्बिनेशन दिए गए थे ए बी सी चलो ठीक है फोर सिक्स एट बी सी डी दिया गया था जरूरी नहीं स्ट्रेट पैटर्न ही काम आ जाए बट यहां पर कॉमन हो सकता है ठीक है प्लेस टू प्लेस का मतलब यहां पर क्या है प्लेस टू प्लेस का भी मैं समझा दूंगा आपको, पहले आप 4, 6, 7. अब यहाँ पर दो बी सी यहां भी, भी तो कॉमन तो है, है तो हमको ये नहीं पता है यहां सीक्वेंस में स्ट्रेट तो नहीं चल रहा है लेकिन ये पता है कि बी और सी का कोड जो है बी का कोड या तो फोर होगा या तो सिक्स और सी का भी फोर या सिक्स में से एक होगा तो हम उसे हटा दे तो हमें पता चल जाएगा ए का कोड एट है क्योंकि देखो ए बी सी बी सी डी मतलब बी और सी का कोड दोनो, दोनों एबीसी और बीसीडी दोनों जगह पे आया होगा और 4, 6, 4, 6, ये दो नंबर ऐसे हैं जो दोनों जगह कॉमन आ रहे हैं क्लियर है तो यहां पर जो ये बीसी का कोड है वो कितना हो जाएगा आप बताइए मुझे तो आप ये नहीं बता सकते बी का कितना होगा सी का कितना होगा लेकिन आप ये जरूर बता सकते हो ए का कोड कितना होगा बचा हुआ एट क्योंकि तो यहां तीन ही नंबर दिए थे ना और c uh, d का कितना हो जाएगा यहां पर 7 d का तो स्ट्रेट अवे दिया गया था तो इस तरीके से आपने एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इसे निकाल लिया बट जब हम बात करते हैं किसकी प्लेस टू प्लेट स्ट्रेट अवे तो यहां पर एक्चुअली में होगा क्या अगर मैंने abc आपसे बोला तो 7 8 9 उसके बाद आपको दिया जाएगा c a uh, ये दिया गया है ठीक है फॉर एग्जाम्पल नाइन फोर फाइव तो अब यहां देखो दो दे दिए गए अब मैं आपसे आपसे तीसरा तीसरा पूछ सकता हूं, कुछ भी। तीसरा पूछ सकता सकता कुछ भी कि भाई मुझे ये बता दो कि A, R, B, क्या बी अगर सी का कोड सेवन एट नाइन है सीआर टी का नाइन फोर फाइव है तो बताओ ए बी का क्या होगा तो अब आप, आप लॉजिक पैटर्न देखोगे रैंकिंग बेस तो नहीं दिख रहा है सीधे सिंपल बात आप ये देखोगे ए का से, सामने सेवन बी के सामने एट दिया सी के सामने नाइन और सेकेंड देखो दोनों फर्स्ट जो पैटर्न कंप्लीट दिया गया और second जो पैटर्न कंप्लीट दिया गया अगर उसे आप फोकस करके देखो तो पहले वाले में ए बी सी सेवन एट एंड नाइन सी आर टी नाइन फोर एंड फाइव तो यहां पर सी कॉमन है राइट दोनों फर्स्ट वाला जो आपको लेटर का कॉम्बिनेशन दिया गया है फर्स्ट में जो कोड दिया गया है फर्स्ट ठीक है कॉम्बिनेशन का कोड और वर्ड का भी जो कोड दिया गया उसमें सी कॉमन है कौन सा लेटर कॉमन है दोनों जगह पे जो रेफरेंसेज दिए गए तो आप बोलोगे सी कॉमन और सी के सामने स्ट्रेट अवे नाइन है दोनों जगह मतलब ये स्ट्रेट कोडिंग पे स्ट्रेट अवे पैटर्न चल रहा है जो जिसके सामने वो उसका कोड है तो यहां पर ए का हो जाएगा सात बी का क्या हो जाएगा आठ आर का है ना आर का हो जाएगा फोर आर के सामने फोर है और बी के सामने आपका क्या दिया आठ दिया है तो सेवन फोर एट आंसर हो जाएगा तो ये होता है स्ट्रेट ठीक है अब रैंकिंग बेस क्या होगा जहां पर रैंक लिखने लगो अभी देखो लेटर टू लेटर में क्या हो रहा था रैंक का यूज जरूर कर रहे थे बट आगे पीछे जाएंगे प्लस माइनस हो सकता है आपको ये भी हो सकता है कि थोड़ा मतलब जैसे ए दिया है तो ए एक लेटर आगे गया तो बी आ गया तो लेकिन हमने लेटर टू लेटर में कोड किया अब सिर्फ हम रैंकिंग का यूज करते हुए रैंक लिख लिखते नंबर के फॉर्म में आगे मूव किया या पीछे जितना भी गए हो आप रैंक में तो वहां पर क्या होगा डायरेक्ट रैंकिंग का यूज होगा वो रिवर्स लेटर्स लेटर्स भी 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 यहां पर आ जाएंगे रिवर्स रैंकिंग रैंकिंग और और नॉर्मल की ये 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 आपको मैं समझा दूंगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेटर लेटर काउंटिंग काउंटिंग बेस्ड पे भी ये वो टाइप्स हैं हैं जो हैं। जो जनरली बहुत ज़्यादा पूछे जाते लिखा होगा क्या आप ये बताओ मुझे Lenter, ठीक uh, है एल के टी ओ पी एज कोडेड एज फाइव तो आप मुझे ये बता दो जेड वाई का कोड क्या होगा जेड वाई का कोड क्या होगा अगर आपको दिया गया पहला ये ठीक है कि सी को किसी कोडिंग भाषा में तीन लिखा जाता है एल के टी ओ पी को पांच लिखा जाता है तो बताओ जेड वाई का कोड क्या होगा इफ सी इज कोडेड इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज एज थ्री

बाकी के जो यूनिक पैटर्न है जैसे मैंने बोला था नंबर्स का यूज कर सकते हैं उसका क्यूब स्क्वायर भी लिख सकते हैं तो ये यूनिक पैटर्न के अंदर आता है अब लास्ट में सबसे लास्ट सब्सिट्यूशनल कोडिंग अब इसमें होगा क्या जो सब्सिट्यूशनल आपका कोडिंग है इसमें होने क्या वाला है भाई ये भी ध्यान रखना पड़ेगा नहीं रखना पड़ेगा बिल्कुल रखना पड़ेगा है ना तो सब्सिट्यूशनल कोडिंग अब जम जम्बल्ड फॉर्म अब जम्बल्ड फॉर्म होने वाला क्या है भाई देखो बहुत स्टेटमेंट दिए जाएंगे अब इस जंबल्ड फॉर्म का मतलब होता है जहां पर आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए जाए ठीक है अब स्ट्रेट अवे कोड नहीं करेगा फिर उनका कुछ कोड भी दिए जाए और ऐसे तीन या चार स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे जम्बल्ड वर्ड्स uh, के ठीक है वर्ड्स में वो में लेटर्स उनके कोड्स भी दिए जाएंगे आप ये नहीं पता किसका कोड कौन सा वर्ड है बट उनमें कुछ कॉमन होंगे तो आप वहां से क्या करोगे सब्सिट्यूट राइट right. सब्सिट्यूशनल पर यूज करोगे मतलब देखोगे किसका क्या है डायरेक्ट एलिमिनेशन यूज करते हुए बता दूंगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पैटर्न समझो अब नेम चेंज ये भी बहुत यूनिक पैटर्न है कि अगर मैं बोल इज कोडेड एज बी इज कोडेड एज सी कोडेड एज डी व्हाट इज गोइंग टू बी द कोड ऑफ बी मतलब यहां पर क्या होगा नाम डायरेक्टली आपको सेंटेंस फॉर्म में दिया जाएगा इसका नाम ये है इसको ये कहा जाता है फिर दूसरे को कुछ और कहा जाता है फिर उसको तीसरे को कुछ और कहा जाता है तो ये बताओ इसको क्या कहा जाएगा मतलब आप समझो बात को अगर मैंने बोला पिंक को रेड कहा जाता है रेड को येल्लो कहा जाता है येल्लो को ये कहा जाता है येल्लो को व्हाइट कहा जाता है तो ब्लैक रेड और ब्लैक को वाइट कहा जाता है तो बताओ व्हाइट को क्या कहा जाएगा आप समझ तो रहे तो तो थे? थे जो आपको समझना जरूरी राइट right अप्रोच के साथ सो दैट्स वाई यहां पर मैंने आपको डिटेल में समझा है अब आ जाते हैं हमारे अल्फावेटिकल ऑर्डर को याद करने की ट्रिक बच्चे सबसे ज्यादा परेशान यहां होते हैं क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है फिर वो

चलो ठीक है अब यहां पर अगर मैं बात करूं देखो ए बी सी अब ये क्या है सिंपल बोलोगे सर ए बी सी डी लिख रहे हो आप तो भाई यही बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर इसको समझना कि कैसे याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट आई जे मैं आपको ऐसे बताऊंगा ना आप इमेजिन कर लोगे लेटर को देखोगे और लेटर की रैंकिंग क्लियर हो जाएगी ठीक है के एल एम एन ओ पी Q R S T U V W X Y एंड जेड मैंने सारे लिख दिए अल्फाबेट आपके सामने ठीक है अब देखो इस पे कुछ एग्जाम्पल भी करके आपको बता दूंगा बिल्कुल आप समझते चलना ए की वन होती किसी को याद करने की जरूरत नहीं है बी की भी याद होगी सी की भी थ्री अब डी तक तो याद रखी लोगे अब जो ई है तो देखो इससे कुछ कॉम्बिनेशन बना रहा हूं एक ए जो टी या ई e जो टी भी आप याद रख सकते हो ठीक है अब ए जो टी क्यों ये फाइव फाइव के गैप में फाइव के टेबल में ई e की रैंक होती है फाइप, फिर फाइव थ्री ओ की रैंक हो गई एंड फाइव फोर सार ट्वेंटी टी की रैंक हो गई और वाई की रैंक हो, हो जाती है ट्वेंटी फाइव तो ये बस याद रख लो थोड़ा सा इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं ना बताता हूं ये फाइव फाइव के गैप में तो ए जो टी ये पेयर याद रखना ई जे ओ टी वाई सो पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस ऐसे अब F की अगर मैं बात करूं देखो अब इसमें इमेजिन होने वाला है है ना किस तरीके से इमेजिन होने वाला लेटर की रैंक को यहां देख लो अगर मैंने बोला F तो क्या आपको जैसे मैं बनाऊंगा यूनिकनेस के साथ आप देखना, आप देखना इमेजिन अपोजिट इस तरीके से लिखते हैं है ना हम लेकिन अगर मैं ये जो एफ लिखा है मैंने यहां से क्लोज कर दू ये दो लाइनों को आपस में ज्वाइन कर दू ऊपर की तो ये उल्टा सिक्स आपको दिखेगा कि नहीं बिल्कुल तो ये आप रखिए रिवर्स सिक्स होता है बिल्कुल सिक्स आपको हमेशा दिखेगा इसमें अब जी की बात करूं जी की रैंक होती है सेवन देखो फिर से बोला हूं सेवन क्या आपको जी में कहीं सेवन दिख रहा है ये ये देखो फिर से बॉटम में आया तो जी के बॉटम में डायरेक्टली स्ट्रेट अवे ही आपको सेवन दिखता है याद करने की जरूरत ही नहीं जी में सेवन है, है ना जैसे एफ में भी आपने देख लिया सिक्स जी में सेवन आ गया अब एच को समझो एच है एच की रैंक कितनी क्या होगी एट देखो मैंने किस तरीके से बनाया अब यहां एच बना हुआ अगर मैं ऊपर से एच को बंद कर दूं और नीचे से भी क्लोज कर दू है ना ओपन है ऊपर से भी और नीचे से भी एच तो ये जैसा शेप बनाएगा बिल्कुल बनाएगा बिल्कुल तो एच में आपको ऑटोमेटिक आट दिख जाता है ऊपर जीरो नीचे जीरो क्लियर है अब आई में अगर मैं स्मॉल आई को इमेजिन करूं देखो आप तो क्या यहां पर आपको नाइन दिखता है ये यह देखो यहां तक मैंने ऐसा करा और फिर डॉट बनाया आप सिंपल भी देखो तो ये डॉट तो एक लाइन और एक जीरो डॉट तो ये क्या दिखाता है आपको लगभग दिखाता है कि ये नाइन है ठीक है तो इसलिए आई की जो रैंक होती है वो नाइन होती है इस दिस क्लियर जे की तो पता ही आपको एजॉरिटी से फाइव जार टेन पांच के गैप में आता है ठीक है e ई से के के तो आप किंग्स इलेवन पंजाब याद रख सकते हो सिंपल सी बात है क्रिकेट बोल दो क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं इलेवन होते हैं या सिंपल याद रखो यहां कितनी तिरछी लाइन है तो आप बोलोगे दो यहां पर टिल्ट राइट अगर आप देखो तो ये दो लाइन है और दो लाइने वन, वन वन इलेवन बनाती क्लियर ऐसे ही एल को अगर मैं बोलू तो ट्वेल्व जब बोलते हैं इसकी रैंक क्या होती है ट्वेल्व तो ट्वेल्व बोलते से ही लास्ट में एल का साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा तो आप याद रखो कि एल की वही रैंक है जिस लेटर के एंड में बोलने पर वो आ जाए ट्वेल्व या मैं सिंपल से बोलूं यहां पर सिंपल है ये आपको ये आपको तो पता है कि एल जो है वो टेन के बाद आएगा क्लियर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूं ये बिल्कुल इस सीक्वेंस को एक बार समझ लोगे ना फिर आपको ऐसे लेटर रैंकिंग याद रहेगी आसानी से क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर तो आप फटाफट -फड़ आंसर कर दोगे किस तरीके से अप्रोच के साथ इसे सॉल्व करना है चलो ठीक है अब यहां आगे बढ़ते हैं एल एल में आप अगर यहां पर एक लाइन लगा टू जैसा शेप भी बनाता है तो ऐसे भी याद रख सकते हो या दो लाइने तो टू और टेन के बाद और एक और मैं बता ही चुका था कि ट्वेल्व बोलते से ही लास्ट में भी एल का साउंड आता ही अब एम तो थ्री जैसा दिखता ही है अगर मैं फिर से बोलू देखो एम थ्री जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है बिल्कुल दिखता है अगर आप थ्री को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो टेन के ऊपर आती है इसकी रेंक तो थर्टीन एन में रोमन लेटर का अगर आप देखो राइट रोमन नंबर आता है कि नहीं आता अगर मैं ऊपर लाइन खींच दू नीचे लाइन खींच एन में ऊपर ऊपर लाइन लाइन खींच खींच नीचे तो तो ये ये बना रहा है और 10 के है है और के क्लियर इसकी रैंक रटना नहीं आप तो एक बार देख लोगे तो आपको तो इमेजिन रहेगा लेटर देखा रैंक याद आ गई कुछ याद नहीं रखना कुछ रट्टा नहीं मानना ठीक है ओ की क्या होगी एजोटी से मैंने बताया था फाइव बस टेन और ये फिफ्टीन सो so, पांच पांच के गैप में चलता है

आर देखो तो वन और ये बना एक जीरो आर की रैंकिंग कितनी होती है और ये नीचे गया तो आप इसे भी भी मान लो कि ये कंप्लीट कर रहा है तो ये देखो मैंने आर से एटीन बना के बताया तो ये आपको वन और ये क्या है एट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है तो आर की रैंकिंग क्या होती है एटीन होती है आई होप आपको ये यूनिक वे समझ में आ रहा है किस तरीके से रैंकिंग को याद रखना अब इसके बाद देखो ये जो एस है अगर मैं यहां से ज्वाइन कर दू ऊपर से तो ये क्या बनेगा नाइन और टेन के ऊपर आता है तो नाइनटीन अब टी जो है भाई पे आता है तो तो टी ट्वेंटी या क्रिकेट याद रख लो तो उससे भी याद रहेगा अब यू की रैंक कैसे याद रखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो जो टाइप वराइटी थी वो भी मैंने आपको आइडिया दे दिया किस तरीके क्वेश्चन बन सकते

टी के बाद आता है यू और जब हम बात करते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से तो क्या बोलते हैं तू कहां गया था तू कहां था? तो देखो टी यू टू और टी की रैंक ट्वेंटी तो अब वी की तो वी में दो लाइने हैं और ट्वेंटी के बाद आता है तो ट्वेंटी टू भाई ट्वेंटी के तो बाद ही आता है वो दूसरे नंबर ट्वेंटी टू पे W में तो थ्री ही रहा है जैसे M में थ्री दिख रहा था तो ये भी थ्री बना रहा है बिल्कुल थ्री का शेप बना रहा है और ट्वेंटी के ऊपर आता है तो ट्वेंटी थ्री अब एक्स की रैंक कैसे याद रखोगे देखो एक्स को अगर मैं देखूं तो एक्स में मैं कितने एक्स बना सकता हूं फोर एक्स बना सकता हूं ये देखो मैंने काट दिया कितने कट लगा सकता हूं डिफरेंट डिफरेंट वन टू कितने पार्ट थ्री फोर चार हिस्से बना दिए तो ये क्या हो गया फोर एक्स तो आपका सिंपल से ट्वेंटी फोर ठीक है यहां पर अगर आप देखो तो वन टू थ्री फोर कितने कट लगे फोर कट आप लगा सकते हो सेपरेट सेपरेट एक सेक्शन दो तीन चार ट्वेंटी फोर क्लियर y को तो आप मेजोरिटी से याद रख सकते हो और ये तो याद भी रहेगा क्योंकि सेकेंड लास्ट लेटर है और जेड होता है ट्वेंटी सिक्स होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू है ना चल अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको याद हो गया तो भाई अब इस पर क्वेश्चन कैसा बन सकता है किस तरीके का बन सकता है वो देख लेते हैं चलो जैसे अंकुश बात कर रहा था अभी तो अंकुश पे एक क्वेश्चन बना लेते हैं अंकुश ठीक है ये मुझे दिया गया है कि अंकुश का जो कोड है वो क्या दिया गया है हमें वो दिया गया है सी पी एम W U G ठीक है अंकुश का जो कोड है ये वर्ड है अंकुश अब क्वेश्चन समझो रैंकिंग याद रख ना तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा बूस्टअप हो जाओगे फिर आगे पहुंचेंगे तो रिवर्स ऑर्डर पैटर्न भी कैसे रिवर्स लेटर्स कैसे याद रखोगे कौन सा लेटर किसके रिवर्स होता है क्योंकि बहुत जरूरी है ये भी चुटकियों में आंसर बन जाएगा एग्जाम है ना चलो अब देखो ए को अब देखिए ये दिया गया अब किसका कोड चलो ठीक है बी एक्टिव इन ये वर्ड है अब आपको पहले पैटर्न भी तो पता करना पड़ेगा ये आपको दिया गया कि अंकुश को एक कोड लैंग्वेज में इस तरीके से कोड किया जाता है तो बताओ सेम कोड लैंग्वेज में मयंक को क्या लिखा जाएगा ठीक है तो अब यहां मुझे मेरा

प्लेस अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट पे बेस तो नहीं है कि बस रीअरेंज कर दिया लेटर्स को उस पर बेस तो नहीं है पैटर्न अब सेकेंड पे चलते हैं रैंकिंग रैंकिंग बेस्ड बेस्ड है है ना तो देख लेते हैं वन रैंक इसकी ए की ठीक है एन की कितनी होती है अल्फाबेटिकल रैंकिंग फोर्टीन इस तरीके से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना आपको ये लेटर नहीं लिखना आप तो डायरेक्ट रैंक लिखो और डायरेक्ट रिलेशन देखो कितने का गैप आ रहा है किस तरीके का लॉजिक बन रहा है की रैंकिंग कितनी होती है इलेवन एनी वन कैन आंसर दिस किसी को बनेगा ये ट्वेंटी वन होती है एस की नाइनटीन होती है हो, एच की होती है एट इसी प्रकार सी की अगर मैं देखूं तो थ्री पी की रैंक होती है सिक्सटीन एम की होती है थर्टीन डब्ल्यू की होती है ट्वेंटी थ्री यू की होती है ट्वेंटी वन और जे की होती है टेन ये मैंने लिख ली ये आपको एग्जाम में भी करना है एग्जाम में क्या करना है ये अंकुश और पूरा कोड नहीं लिखना बस इनकी रैंक लिख लो वर्ड की जो रैंकिंग है क्या है

ट्वेंटी वन से ट्वेंटी थ्री हो गया दो रैंक आगे पहुंच S से U हो गया तो एस की होती नाइन ट्वेंटी करेंगे तो मयंक की रैंक देखो ये थर्टीन है एम का एम की जो रैंकिंग होती है अल्फाबेटिकल अभी याद किया था इसमें क्या दिखा? M में थ्री दिखा कि नहीं तो आप बोलोगे बिल्कुल टेन के ऊपर आता थर्टीन हो गया ए की रैंक वन y की 25 होती है a की फिर वन n n में रोमन लेटर दिखता है फोर वाला रोमन नंबर दिखा बिल्कुल टेन के ऊपर आता है 14, K में दो लाइन होती है या क्रिकेट से रख लो, 11, अब दो दो रैंक आगे बढ़ा दो इलेवन प्लस टू यहां प्लस टू सेम पैटर्न तो, फॉलो करना ना प्लस टू तो, प्लस टू तो, प्लस टू तो, प्लस टू तो, क्लियर तो, 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 है तो आप देखो थर्टीन प्लस टू तो, फिफ्टीन वन प्लस टू थ्री ट्वेंटी फाइव प्लस टू ट्वेंटी सेवन अब सबसे बड़ी पॉइंट यहां पर आ जाता है कि जब भाई रैंक ऐसी हो जाए ट्वेंटी फाइव प्लस टू ट्वेंटी सेवन ठीक है किसकी रैंकिंग होती है अल्फाबेट में तो पांच पांच के टेबल वाला है ना ये तो थर्ड नंबर फाइव so, थ्री फिफ्टीन सो एजॉरिटी में ओ लो सीधा तीसरे नंबर पे आता हो गया ये अब थ्री किसकी होती है सी की होती है ठीक है है किसी की अल्फाबेटिकल रैंकिंग होती होती तो 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 बोलोगे बिल्कुल नहीं सर ये ये कैसे पॉसिबल कि ए से 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 जेड तक तो लेटर्स होते 1 से 26, अब आप ये बताओ कभी रैंक ज़्यादा आने लगे तो हम क्या करेंगे भाई फिर बस कितने दो से मतलब तो यहां पर क्या होगा 27 सो so 27 26 1 1 किसकी रैंक होती है एक सिंपल राइट right? अब यहां पर 3 किसकी सी किया जाएगी वापस 16 किसकी होती है तो आप याद रखिए 6 किस में दिखता है p10 के बाद सो so p 13 किसकी होती है m की सो आई होप इट इज क्लियर o c a c p m इज गोइंग टू बी द आंसर इसका आंसर क्या हो गया उत्तर क्या हो गया राइट right? इस तरीके से ओ सी ए सी पी एम इज वर्ड का जो कोड है दी गई कोड लैंग्वेज में पहले तो तो हमने पैटर्न पैटर्न पता किया तो pattern क्या था प्लस तू, प्लस फॉरवर्ड चल रहा है दो रैंक बढ़ जा रही है कोड में है ना दो प्लेस लेटर आगे शिफ्ट हो रहा है और स्ट्रेट हो रहा है बिल्कुल फर्स्ट का फर्स्ट से सेकंड का सेकंड से थर्ड का थर्ड से इस तरीके से तो वही फॉलो किया और आंसर आ गया तो आई होप अब थोड़ा आइडिया लग गया होगा किस तरीके से एग्जीक्यूशन करना है और क्वेश्चन पूछे जाने वाले है, है ना अब इसमें वैरायटी आती रहेगी तो क्वेश्चन जब हम बल्क में सॉल्व करेंगे ना स्टार्ट कर देंगे बिल्कुल नेक्स्ट सेशन में तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ठीक है थैंक थैंक यू यू सो मच वर्मा फॉर योर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच चलिए अब रिवर्स ऑर्डर को समझ लेते हैं रिवर्स ऑर्डर कैसे याद रखोगे लास्ट आज का जो टॉपिक का जो

तो ए पे स्टार्ट होता है लेटर और जेड पे खत्म होता है तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से देखू स्टार्टिंग से देखू तो ए फर्स्ट है लेकिन अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में देखूं तो फर्स्ट है और लास्ट हो जाता तो एक दूसरे के क्या है के है अपोजिट लेटर कहलाते ना इनकी रैंक आपस में शिफ्ट हो सकती है ऐसी बी से वाई अब याद करने की टेक्निक भी बता दूंगा बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक लेके आऊंगा इसके लिए ठीक है बी की वाई ठीक है सी का एक्स और डी का आपका हो गया डब्ल्यू और फिर आया ई e, e का हो गया वी एफ का आपका हो गया यू ठीक है जी का आपका हो गया टी एच का आपका हो गया एस ठीक अब एच के बाद आई आया आई का हो गया आर जे का हो गया क्यू ठीक है और के का हो गया आपका पी <coughs> एल का आपका हो गया ओ एम का आपका हो गया एन अब बोलोगे सर एम के बाद नहीं जाएंगे भाई वो तो गए एम का एन सारे लेटर्स के रिवर्स हो गए थर्टीन लेटर्स लेंगे तो थर्टीन रिवर्स भी तो आएंगे ना साथ में तो यहां पर देखो अब इन्हें याद कैसे करना ए टू जेड तो आपको याद रहेगा ए का जेड है बी का वाई कैसे याद रख सकते हो बाय बाय या बॉय सिंपल सी का एक्स कैसे कर सकते हो क्रैक्स याद रख लो आपको यहाँ कुछ लेटर राइट इनके लिए कोड वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे तो क्रैक्स सी का अपोजिट एक्स होता है रिवाइज कर लोगे आसानी से याद हो जाएगा या आप बोल दो भाई एक्स है सी 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 क्या है है अब सी, ये वाला सी नहीं, सी देखने वाला नहीं देखने देखने किसे देखो को देखो एक्स तो एक्स एक्स को लेटर देखने, लेटर को को तो लेटर लेटर राइट कौन देखना चाहता है सी लेटर तो सी एक्स ऐसे भी याद रख सकते हो ये टेक्निक है देखो आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ और लॉजिक आपके लिए बहुत अच्छा फंडा बैठ रहा है जो मैं यहाँ पर पैटर्न आपको बता दे चल रहा हूं इससे ज्यादा अच्छे से आपको लगता है कि कुछ आप कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्या हो रहा है इन लेटर्स के बीच में मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ जो कि बहुत सुइटेबल रहे आपको याद रखने में अगर आपको लगता है कुछ और भी आप आसानी से याद रख सकते हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो ठीक है अब डी का डब्ल्यू डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू अब इसके अलावा तो बहुत सारे हैं वर्ल्ड है वुड है ठीक है कुछ भी विंड है आप याद रख सकते हो लेकिन ये ड्यू बहुत आसानी से याद रहेगा आपको है ना थोड़ा फिल्मी माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है डू ड्यू डी का अपोजिट w e का अपोजिट v कैसे याद रखोगे देखो यार मिस ई मिस्टर v याद रख सकते हो या इवनिंग रख सकते हो अब एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो काफी अच्छा वर्ड है लव ये आपको एक तो v और e का कॉम्बिनेशन बता रहा है कि e के अपोजिट v है देखो लास्ट टू लेटर्स आपस में क्या होते हैं रिवर्स होते हैं इसमें और फर्स्ट टू लेटर्स भी आपस में रिवर्स होते हैं l का अपोजिट o होता है तो लव आपको दो लॉजिक बता रहा है तो लव भी याद रख सकते हो लव से आपको दो लेटर्स के अपोजिट याद हो रहे हैं अगर मैं देखू एफ का रिवर्स है यू तो यहां पर अब एफ का अपोजिट यू कैसे याद याद रखोगे कई बार बोलते हैं फुल याद रख लो ठीक है लेकिन सबसे अच्छा है उफ कितनी गर्मी है भाई कई बार गर्मी बहुत ज्यादा लगती उफ कितनी ज्यादा गर्मी है है ना तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं उफ वर्ड का यूज करते हैं और उफ से आपको आसानी से याद करने में क्या होगी बहुत ज्यादा आसानी से कॉम्बिनेशन याद रखोगे यू डबल एफ यू का अपोजिट एफ याद रख लो अब जी का टी तो आप ग्रेट याद रख सकते हो आप घोष्ट याद रख सकते हो भूत याद रख सकते हो चलो ठीक है ग्रेट याद रख सकते हो है ना टीचर गार्जियन कर सकते हो तो बहुत सारे तरीके हैं इसे भी याद रखने के अब एच का एस तो हॉर्स बोल देते हैं हाउस बोल देते हैं लोग और रख लो हाउस बट क्या थोड़ा सा कुछ अलग रहना थोड़ा मतलब अलग थोड़ा मिर्ची मसाले वाला नाम होना तो बहुत आसानी से हमें याद रह जाता है तो देखो एक सीरियल आता था जो कि हॉन्टेड था श, कोई है तो उससे याद रख लो श कोई है या किसी को शांत होने के लिए हम क्या कहते हैं इससे ज्यादा यूनिक क्या बता दूं मैं चलो I का अपोजिट होता है R रिवर्स सो इंडियन रेलवे सबसे आसान है है ना इंडियन रेलवे कई लोग प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे तो आपको तो और आसानी से याद हो जाएगा रिवेन्यू इंस्पेक्टर आप याद रख सकते हो बहुत सारे अब जैक जे क्यू जैक याद रख सकते हो आप इसमें है ना इस तरीके से जैक याद रखो जैक कैलिस क्रिकेटर थे बहुत बड़े उनका नाम याद रख सकते हो या आप लो जंगल क्वीन भाई किसी को कोई भी डाउट आए टू लेट मीनो बताइएगा बिल्कुल है ना के पी कैविन पिटरसन अब क्रिकेट पे अगर सर बोलोगे तो ठीक है अब पी के मूवी आई थी एक तो पी के मूवी से याद रख सकते हो है ना के का रिवर्स पी पी के मूवी से भी एक कॉम्बिनेशन बनता है तो आपको याद रहेगा पी का रिवर्स के इसी बेस पे मूवी बन गई ऐसा बोल दो कि भाई नाम जो रखा इससे हमें आसानी से याद हो रहे हैं लेटर्स लॉजिक बना सकते हैं ना कि के का पी पी का के तो पी के है ना चलो ठीक है अब एल का अपोजिट ओ तो लव से तो याद हो गया था और आप याद रख सकते हो ऑनलाइन ठीक है तो ओ एल ऑनलाइन एल ओ लव में भी थे स्टार्टिंग में दो लेटर्स उस तरीके से भी याद रख सकते हो और अगर मैं बोलूं तो यहां पर ये भी याद रख सकते हो लोल ठीक है जब हम टेक्स्ट में हंस रहे होते हैं बहुत ज्यादा तो हम लोल लोल करके लिख के भेजते हैं भाई तो वो भी याद रख सकते हो चलो एम का रिवर्स एन तो देखो एम का तो नेक्स्ट लेटर ही उसका रिवर्स है इस तरीके से भी याद रख सकते हो या मैन मून जो भी आप याद रखना चाहो सो so, आई होप ये जो मैंने ट्रिक आपको बताया बिल्कुल रिवाइज कर लेना एक बार अच्छे से देख लोगे ना तो नेक्स्ट सेशन में जब हम क्वेश्चन करेंगे आप लोग धड़ाधड़ आंसर करोगे क्योंकि इनका याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर ये आपको याद नहीं रहेंगे ना तो आसानी से आप लॉजिक को कैच नहीं कर पाओगे ठीक है चलो अब पैटर्न भी देख लेते हैं चलो एक रिवर्स ऑर्डर पे क्वेश्चन कर लें फिर पैटर्न देख लेंगे लॉजिक देख लेंगे कि क्या लॉजिक लगने वाला है ठीक है चलो अब जो रिवर्स ऑर्डर है रिवर्स uh, ऑर्डर में चलो ठीक है नाम देख लेते हैं यहां पर मैंने लिखा वर्मा चलो वर्मा जी ने अभी बोला था कुछ है ना विश किया था तो वर्मा अब वर्मा का जो कोड है वो किया गया है ई वी आई एन वाय तो ये बताओ मुझको आप किसका कोड देख लें भाई चलो आदित्य का कोड देख लेता हैं तो आदित्य को उस कोड लैंग्वेज में क्या कोड किया जाएगा इन सर्टेन कोड लैंग्वेज वर्मा इज कोडेड एस ई वी आई एन वाई देन द सेम कोड लैंग्वेज व्हाट इज़ गोइंग टू बी द कोड ऑफ ए डी आई जस्ट वेट ओके कोड ऑफ आदित्य

अब रैंकिंग को पुट करके देखते हैं कि कोई पैटर्न चल रहा है क्या ये अप्रोच होनी चाहिए ठीक है तो अब देखो यहां पर क्या होने वाला है जस्ट वेट किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं अब वी का रिवर्स लेटर ई होता है इवनिंग से याद रखो ई का क्या होता है इवनिंग से वी होगा आर का रिवर्स लेटर क्या होता है तो आप बोलोगे इंडियन रेलवे आई होता है तो आई दिया है बिल्कुल दिया है सामने एम का क्या होता है उसके नेक्स्ट आने वाला लेटर एन तो

तो अब ए का रिवर्स जेड डी का रिवर्स माउंटेन ड्यू ड्यूटर के आगे जीते याद करवाया था डब्ल्यू क्योंकि तो हमें लॉजिक पता चल गया लॉजिक है क्या रिवर्स ऑर्डर लेटर में कोड कर दिया गया लेटर स्कोर बिल्कुल सेम प्लेस पे फर्स्ट को फर्स्ट पे सेकंड को सेकंड पे थर्ड को थर्ड पे इस तरीके से तो ए का कोड जेड डी का डब्ल्यू आई का क्या होगा आर t का क्या होगा जल्दी बता दो मुझको सबके सब तो t का आपको याद है tg टीचर का जियन ग्रेट घोस्ट कुछ भी याद रख सकते हो आप जी y का जो है वो b होता है से। a का फिर से आ गया z तो आपका सेम कोड लैंग्वेज में पहले हमने पैटर्न पता किया कि वर्मा को कैसे कोड किया गया था सिमिलर वे में हमने आदित्य को कोड किया तो z w r g b z इज गोइंग टू बी द आवर तो आंसर वर। पैटर्न ही आता रिवर्स ऑर्डर का तो आपको इसका भी थोड़ा आईडिया लग गया है चल अब कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉसिबल रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ लेटर्स इन द गिवन वर्ड्स अब यहां पर आपकी जो पोजिशन मतलब देखो ये वर्ड है सपोज करो ये जो पहला दिया गया है ना वन टू थ्री फोर फाइव ये वर्ड्स है अब जो कोड किया गया है ना वो नीचे दिया गया तो आपका या तो ये हो सकता है सेम प्लेस पे कोडिंग हो तो स्ट्रेट कोडिंग बोल सकते हैं हम इसे मैं यहाँ पर पैटर्न बता रहा हूँ कि कौन कौन से पॉसिबल मैक्सिमम ठीक है मैं ये नहीं बोल रहा कि इसके अलावा हम लॉजिक और नहीं लगा सकते जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पॉसिबल वे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉसिबल रिलेशन है वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इसके अलावा बहुत रेयरली होता है कि कोई इनरेलीवेंट uh, लॉजिक लगे ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक्स है इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पैटर्न किस तरीके से चेक करना है अगर स्ट्रेट नहीं लग रहा देखो फर्स्ट पांच लेटर्स थे तो हमने देखा फर्स्ट का फर्स्ट प्लेस पे सेकंड का सेकंड प्लेस पे ही चल रहा लॉजिक पैटर्न अब कोड का जो पैटर्न है वो कुछ भी हो सकता है लेटर टू नंबर लेटर टू लेटर या कुछ और लॉजिक ठीक है अब फोर्थ का का प्लेस प्लेस पे का ही प्लेस पे फिफ्थ फिफ्थ जो भी पैटर्न लगा अगर ये फॉलो नहीं कर रहा तो देखो सेकेंड जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो लॉजिक कौन सा हो सकता है इस तरीके से भी कोड कर सकते हैं देखो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव लेटर्स थे तो फर्स्ट सेकेंड को आपस में इंटरचेंज प्लेसेस को इंटरचेंज करके लॉजिक लगाया अब हो सकता है सेम लेटर आपस में इंटरचेंज हो जाए या जब ये इंटरचेंज कर रहे हो तो इनमें कुछ पैटर्न यूज किया जाए ठीक है फर्स्ट सेकेंड के प्लेस पे आ गया सेकेंड फर्स्ट के प्लेस पे आ गया थर्ड बिल्कुल स्ट्रेट अवे रहा क्योंकि देखो सिंपल सी बात है दो दो लेटर के पेयर्स को कर रहे थे यहां पांच लेटर थे ऑड था नंबर्स क्या थे ऑड थे लेटर्स लेटर के तो थर्ड का थर्डी प्लेस पे हो गया अब फोर्थ का फोर्थ पे फिफ्थ का फिफ्थ पे इज दिस क्लियर इज दिस क्लियर है ना यहां देखो फोर्थ का क्या हो गया तो नहीं फोर्थ का फोर्थ पे नहीं सॉरी फोर्थ आ गया फिफ्थ वाले पे क्रॉस इंटरचेंज हो गए क्रॉस तो यहां पर क्रॉस पैटर्न को समझना फोर्थ को फिफ्थ प्लेस प्ले है फिफ्थ को फोर्थ प्लेस प्ले है आपस में इंटरचेंज कर दिया इनके प्लेसेस को ठीक है तो इस तरीके का क्रॉस पैटर्न लग गया अब इसमें लॉजिक कुछ भी हो सकता है कि अल्फाबेटिक सेम लेटर्स भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं प्लस माइनस का पैटर्न भी हो सकता है आपका रिवर्स ऑर्डर का पैटर्न भी हो सकता है और तो और कई बार वॉवेल पे बेस पैटर्न भी दे देता है वॉवेल तो ये थोड़े से अलग लेवल के मैंने नहीं बोला यूनिक पैटर्न तो वो मैं जब आपको कराऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा है ना हर लेवल का क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं अब सी की अगर मैं बात करूं थर्ड पैटर्न की मतलब देखो ए पैटर्न ए देख लिया आपने देन आपने बी देख लिया कि किस तरीके से कोडिंग की जा सकती है किस लेटर के प्लेस को किस लेटर से कर सकते अब देखो ये होता है रिवर्स पैटर्न इसमें एक्चुअली फर्स्ट फर्स्ट को को फिफ्थ फिफ्थ नंबर पे ले है, और वाले को पे ले ले आए आए और वाले ठीक है थीके? आप ऐसे समझो फाइव वा, फिफ्थ वाला जो था वो फर्स्ट पे आ गया फिर उसके बाद फोर्थ वाला आता तो वो सेकेंड नंबर पर आ रहा है थर्ड वाला मिडिल पे ही हो गया और सेकेंड वाला फोर्थ पे पहुंच गया राइट तो हमने क्या किया रिवर्स ऑर्डर में उसे लिख दिया है है ना मतलब आपस में इंटरचेंज ही कर रहे हैं प्लेसेस फर्स्ट लास्ट से है ना फिर उसके बाद सेकेंड कर रहा है फोर्थ से और थर्ड तो सेम में आ रहा है क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ लेटर्स फाइव थे इस तरीके से ठीक है तो मतलब किस तरीके से आप अपने दिमाग में रख सकते हो भाई इस तरीके से भी मुझे प्लेसेस को आसानी से रिलेट करना आना चाहिए है ना दिमाग में होना चाहिए सर अब डी अब देखो यहां पर भी वन टू थ्री फोर फाइव फाइव लेटर्स दिए फॉर एग्जाम्पल तो आप ये देखो अब यहां पर किस तरीके से किया गया है पहले दो लेटर को उठाया एज इट इज फर्स्ट सेकेंड को लास्ट के दो लेटर बना दिया बट यहां पर ऐसा नहीं किया कि फर्स्ट को पहले लिखा नहीं जो सीक्वेंस था फर्स्ट सेकेंड वही आ गया लास्ट के दो लेटर की जगह थर्ड थर्ड प्लेस पे आ गया और लास्ट के दो लेटर्स थे फोर्थ फिफ्थ उन्हें भी एज इट इज उठा के फर्स्ट दो लेटर्स की जगह पर लिखते तो इस तरीके से भी आपका लॉजिक हो सकता है याद रखिए है ना देखो सेकंड आ गया लास्ट में फर्स्ट आ गया आपका सेकेंड uh, लास्ट फिर थर्ड जो था आपका वो तो थर्ड लॉजिक तो किस तरीके से चल रहा है लिए हैं वो ले लिया आपके ई वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब तीन तीन लेटर का भी ग्रुप बन के यहाँ पर पैटर्न हो सकता है फर्स्ट थ्री लेटर्स लास्ट थ्री लेटर्स तो उसमें भी क्या हुआ रिवर्स तरीके से लिख दिया वन टू थ्री था फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेटर थे तो उन्हें क्या लिख दिया थ्री टू वन है ना थर्ड वाला फर्स्ट पे आ गया सेकंड टू तो सेकंड में ही रहेगा अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे फर्स्ट वाला फिर आ गया थर्ड प्लेस पे इसी प्रकार फोर्थ फिफ्थ और सिक्स प्लेस जो थे वो भी आपस में क्या हो गया रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया सिक्स आ गया फिर फिफ्थ आया फिर, फिर फोर्थ आ गया तो इस तरीके के पैटर्न के लिए भी आपको रेडी होना चाहिए कि ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में और फिर उनमें क्या कर दें रिवर्स ऑर्डर लगा दें आपस में वैल्यूज इंटर चेंज हो जाए लेटर टू लेटर चेंज हो जाए ठीक है वैल्यूज चलो ठीक है अब लास्ट वाला देखो आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है अब यहां पर फोर फाइव सिक्स लिखा है मतलब देखो यहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट अब इस ठीक है कभी कभी कुछ यूनिक पैटर्न और यूज हो सकते हैं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉसिबल आप मतलब आपको लग जाए कि इस तरीके के लॉजिक मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अगर देखोगे कॉमनली तो इसी तरीके के लॉजिक्स आपको एग्जाम में दिखेंगे और इस तरीके के पैटर्न ही आपके 99.99 नाइन परसेंट आएगा बट अगर कुछ यूनिक आता है तो वो तो आपको आइडिया देखो यहां से ही लग जाएगा कि कुछ अगर कुछ डिफरेंट किया गया ये ऐसा नहीं है कि भाई वेल प्रूवड यही सिक्स पैटर्न इसके अलावा हम कुछ और तरीके से प्लेसेस को इंटरचेंज नहीं कर सकते वो तो पैटर्न पे बेस्ड है क्वेश्चन पे बेस्ड है है चीजें हो सकता थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया यूनिक तरीके से वो मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा ना डिफरेंट डिफरेंट में तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कराऊंगा जिससे आपको आइडिया लग सके तो यहां देखो पहले जो तीन लेटर थे उन्हें स्ट्रेट अवे एज इट इज उठा के लास्ट तीन लेटर बना दिया मतलब फोर फाइव सिक्स से रिप्लेस कर दिया और फोर फाइव सिक्स को

थोड़े से यूनिक पैटर्न भी हो सकते हैं वो हम सॉल्व करेंगे अपकमिंग सेशन में ठीक है और रिवर्स ऑर्डर भी मैंने आपको समझा दिया उस पर बेस भी आपका हो सकता है सीक्वेंस समझा दी किस हिसाब से अप्रोच लगानी है ना ओके सो एक्चुअली ओके पावर कट का इशू आ गया है सो so...